my channel, और अगेन इट्स गोइंग टू बी नूडल्स वीडियो, लेकिन बहुत ही डिफरेंट रहेगा क्योंकि मतलब पिछला जो वीडियो था मैगी को पता है, लेकिन ये दूसरा वाला जो आज का वीडियो है मलाई कोफ्ता, और मतलब मलाई कोफ्ता और मेरा मतलब कुछ रिलेशन ऐसा है जैसे कि मैं बह नहीं सकता क्योंकि मलाई कोफ्ता मैंने आज तक कभी टेस्ट ही नहीं की, तो इसका रिव्यू तो मतलब जबरदस्त देने वाला, क्योंकि इसका जो इम्प्रेशन पड़ेगा ना मुझ पर फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा, तो ये डिसाइड करेगा कि मैं मलाई कोफ्ता खाऊंगा या नहीं मतलब फ्यूचर में, क्योंकि मैं पहले कभी टेस्ट किया नहीं। सो इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग वीडियो। तो बाय द वे दिस इज रवि एंड यू आर वॉचिंग रवि'स ब्लॉग्स। स्टे ट्यून्ड। पहले इसको अनरैप करके आपको दिखाता हूँ गाइस कि आखिर ये बला है क्या। मैंने पहले भी कप नूडल्स टेस्ट किया है, लेकिन मतलब दिस इज समथिंग रियली वेरी डिफरेंट हो, पता नहीं कहाँ से खुलता है यार। आई बोली कहाँ से खुल रहा खुल ही नहीं रहा। सो फाइनली शायद मैं इसे खोल पाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जाफरानी कोफ्ता करी 70 grams एंड द कॉस्ट इज 50 rupees। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि यू कैन एंजॉय इट व्हेन एवर एंड वेयर एवर। पहला जो इंस्ट्रक्शन है, यू नीड टू पुल बैक द लीड, देन क्लोज द लीड फॉर 3 मिनट्स, देन रिमूव द लीड, स्टीर वेल टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स एंड एंजॉय योर कप नूडल्स। सो गाइस इसका अंदर क्या है पहले देख लेते हैं एक बार। मैं रैपर फेंक के आता हूँ। आई विल शो यू व्हाट्स इनसाइड। खुलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके, मैं इसे हाफ ही खोल रहा हूँ जैसे लिखा है। तो यहाँ तक ओपन किया, अंदर आप देख सकते हो कि अंदर एक नूडल्स है, मतलब नूडल्स का राउंड शेप में कुछ है। देयर इज अ स्पून इनसाइड, तो मैं स्पून को निकाल लिया हूँ, एंड देयर आर स्मॉल राउंड क्यूब बॉल्स। तो मैंने तो कभी आज तक मलाई कोफ्ता टेस्ट किया नहीं है, तो इसमें हम गर्म पानी डाल के देखेंगे कि भैया पकता कैसे है। सो मैं एक बार थोड़ा गर्म पानी लेके आ, पानी डालने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अंदर एक मार्कर है, देखिए यहाँ पे एक मार्क किया हुआ है अंदर, जहाँ तक ही हमको गर्म पानी डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना, उससे कम नहीं डालना है। आई बिलीव मतलब उतना में पका दे नूडल्स, पानी गर्म हो रहा है। तो लेट्स सी, इसमें गर्म पानी डाल दिया है और पूरा एकदम मतलब जो लीड है उसका मतलब वहाँ का जो मार्कर है वहीं तक डाला है। मैं इसे अभी ढकने जा रहा हूँ द नेक्स्ट 3 मिनट्स एंड वी विल सी कि हमारा नूडल्स कैसे पका है। सो फाइनली इट्स टाइम टू ओपन द लीड। ओपन क्या भाई, पूरा खोल देते हैं, खोल रहा हूँ पूरा। ओहो पक चुका है, लेकिन आप एक चीज़ है कि कप नूडल्स में आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब थोड़ा ड्राई आपके लिए नूडल्स बने, तो डेफिनेटली बी सूपी नूडल्स। अभी हम उसको मिक्स करेंगे जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में बताया था, ठीक है भाई। खुशबू, क्या खुशबू आ रहा है, लेकिन जो भी बोले एक प्रॉपर नूडल्स है, मतलब इसका जो शेप एंड साइज है इट्स नथिंग लाइक मैगी। मतलब बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा है। इसमें छोटे 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 बॉल्स कहाँ गए यार, ये हैं छोटे छोटे बॉल्स। सो नाउ इट्स टेस्ट टाइम। तो गाइस
फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मतलब पता नहीं इसका खुशबू, मतलब एक क्या बोलते हैं समथिंग लाइक, मतलब मोर आपको क्रेव करेगा इसको खाने के लिए। एंड मतलब मलाई कोफ्ता मैंने ऐसे ही पहले कभी टेस्ट नहीं किया, तो इसका इम्प्रेशन अच्छा बन गया है, फिर हम मतलब मलाई कोफ्ता भी खा लेंगे। ये मुझे मतलब आज बताया कि मलाई कोफ्ता एक्चुअली में होता है कैसे, या फिर रुइन भी कर सकता है। सो पहला बाइट लेता हूँ नूडल्स का, पहले नूडल्स ही टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद चंक्स खाएंगे। और एक बाइट लेना पड़ेगा। एक अनोखा सा एसेंस है, डाला है क्या उन्होंने, क्या क्या डाला है, कुछ तो अलग है, पता नहीं चल रहा भाई। अच्छा इसमें काजू डाला है, कैश्यू नट्स, वो जो चंक्स था कहाँ गया भाई। अच्छा ये वाला हमारा कोफ्ता है छोटा सा, कुछ अलग मसाले हैं इसमें, ₹50 में शायद थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि कप नूडल्स इज ऑलवेज मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में रहता है। तो अगर आपको कुछ अलग टेस्ट करना है, मतलब कुछ डिफरेंट आउट, मतलब हटके, और मलाई कोफ्ता मतलब खराब चॉइस नहीं है, यू कैन ऑफ फॉर दिस। ऐसे कोई रेटिंग या रिव्यू देना नहीं चाहूँ, क्योंकि मेरे लिए पहली बार टेस्ट है, मतलब आई हैव नेवर टेस्टेड मलाई कोफ्ता बिफोर। सो मतलब अच्छा है, मतलब से कि अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा है, इट्स गुड। तो आप लोग इसको ज़रूर टेस्ट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा उसका टेस्ट। और क्या बोलूँ मैं, हाँ गाड़ी वाड़ी बढ़ गया है, लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया और कुछ कर नहीं सकते हम, लॉकडाउन तो एक्सटेंड होना ही था। देखते हैं कब तक कुछ ठीक हो जाता है, तब तक हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। बाहर जाके कुछ खा नहीं सकते यार, मतलब आपको दिखा नहीं सकते, तो घर में जो बन रहा है, जो ब्रांड जो मिल रहा है, हम बना रहे हैं बस। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून, वेरी सून, आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल को। अगर मतलब नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज 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 गाइस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।